हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज भाई आप पार्शियल डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं और आज जर्नली जो आप कवर करेंगे वो होगा इलर थ्योरम से रिलेटेड एग्जांपल्स। तो एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले भाई आप लोगों को होमोजीनियस फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद जो आपने इलर थ्योरम का प्रूफ किया था उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन दिखाई दे रहा होगा भाई आपको, आई बटन पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो एक बार क्विक रीजन कर लेते हैं। तो जर्नली होमोजीनियस फंक्शन होते क्या थे भाई, ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन होते क्या थे अपने पास, किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर सभी वेरिएबल्स की, क्या सभी वेरिएबल्स की डिग्री अगर सेम आ जाती थी, डिग्री क्या हो, सेम हो, तो मैं बोल सकता हूं भाई जो मेरे पास एक्सप्रेशन होगी वो क्या होगी, होमोजीनियस फंक्शन होगी, ठीक है। उसके बाद इलर थ्योरम क्या बोलती थी भाई, अगर मेरे पास यू होमोजीनियस फंक्शन है एक्स वाई के अंदर किस डिग्री का, एन का, तो मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूं, एक्स इंटू कर ली यू वाई कर ली एक्स प्लस वाई इंटू कर ली यू वाई कर ली वाई इज इक्वल टू एन यू, ठीक है। मैं इसको इलर थ्योरम की हेल्प से इस तरह से लिख सकता हूं। तो अब देखो भाई अपने पास आता है एग्जाम्पल, उसके अलावा भाई जो आप लोगों को क्लासेस का शेड्यूल है वो डेली इंस्टाग्राम आईडी पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है भाई। इंस्टाग्राम आईडी का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी है। उसके अलावा इंस्टाग्राम आईडी पे सर्च कर लेना भाई क्रिएटिव स्टडी एके। उसके अलावा जो आप लोगों के पीडीएफ नोट्स है ना वो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देता हूँ। टेलीग्राम का जो चैनल है उसका नाम है PCM by AK, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट लिंक के थ्रू ज्वाइन हो जाना, नीचे लिंक दे रखा है, या टेलीग्राम में सर्च कर लेना PCM by AK, तो आपके सामने ग्रुप आ जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को भाई जो मैं वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ आप लोगों को, इनके अंदर कोई भी कमी, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग कोई भी कमी है तो आप मेरे को यूट्यूब में जो कमेंट सेक्शन ना उसके थ्रू बता सकते हो, तो आप उसको सुधार लेंगे। उसके अलावा आपको कोई भी कमी लगती हो भाई लैंग्वेज से रिलेटेड, कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी कमी लगती है, जो आप कमेंट के थ्रू मेरे को बता देना, आप उसको सुधार लेंगे। उसके अलावा भाई मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ आपको कितना समझ में आ रहा है वो भी आप कमेंट के थ्रू बता सकते हो, ठीक है। तो अब आप चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो जनरली एग्जांपल क्या है भाई, इफ यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन एक्स प्लस वाई, तो अपने को शो क्या करना है भाई, शो दैट एक्स कर ली यू बाई कर ली एक्स प्लस वाई इंटू कर ली यू बाई कर ली वाई इजिकल टू टेन यू। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई, सबसे पहले इसको होमोजीनियस फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे या आप चेक करते हैं कि ये कितनी डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात बताता हूँ। सबसे पहले तो यू लिखेंगे, यू इजिकल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र एक्स प्लस वाई, तो मैं साइन को इस साइड ले आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, साइन यू इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये मेरे पास क्या होगी, इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब एक काम करना है आप लोगों को, अब अपने को पता है साइन यू एक होमोजीनियस फंक्शन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलर थ्योरम लग रही है, अपने को पता है, ठीक है। अब कितनी डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है वो आप चेक कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। जनरली करना क्या होता है भाई, ऊपर वाले जो वैल्यू दे रखी है और एक नीचे वाली वैल्यू दे रखी है, इसके अंदर जो एक्सप्रेशन के अंदर, ध्यान से सुनना, एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की हाइएस्ट डिग्री है, एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की हाइएस्ट डिग्री है, उसको कॉमन निकालना। अब कॉमन किसके साथ निकालना है, एक्स के साथ कॉमन निकाल लेना भाई। अब कॉमन कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनना भाई, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये समझ में आ गया कुछ भी नहीं है, ये आगे बिल्कुल आसान है। तो देखो साइन यू, अब यहां से क्या कॉमन निकाले, वेरिएबल क्या है एक्स और वाई, उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, टू है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, टू है, तो कॉमन क्या निकालना है, एक्स की पावर टू कर दो भाई, ये कॉमन निकालना है, ठीक है। अब एक्स की पावर एक्स स्क्वेयर कॉमन निकालेंगे तो यहां पर क्या बच जाएगा, वन प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वेयर, ठीक है, अपॉन, नीचे भी देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है या हाईएस्ट डिग्री क्या है, वन है, उसको भी एक्स के साथ कॉमन निकाल दो, कॉमन निकालेंगे तो यहां पर क्या बच जाएगा, वन, और यहां पर क्या आ जाएगा भाई, वाई बाई एक्स, ठीक है।
एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आपने लिखा साइन यू इज इक्वल टू 38। उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को जो एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री है उसको एक्स के साथ कॉमन निकाल लेना है। एक्स के साथ मैंने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बच गया, 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। नीचे भी सेम किया, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री है उसको कॉमन निकाल लिया, ठीक है, 1 प्लस वाई बाई एक्स ये अंदर बच गया। इन अदर लैंग्वेज वी कैन से दैट, यहां पर लिख देते हैं, ठीक है, इसी के सामने एक बारी मैं करके बता रहा हूं। ऊपर वाली एक्सप्रेशन के अंदर देखना है, इसके अंदर हाईएस्ट, इसके अंदर हाईएस्ट डिग्री क्या है अपने पास, स्क्वेयर है, तो एक्स के स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, एक्स के स्क्वेयर के साथ डिवाइड कर दो। तो मैं एक्स स्क्वेयर को अंदर लेके जा रहा हूं, तो एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वेयर वन प्लस वाई बाई एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अगर इससे समझ में ना आए तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब नीचे भी ऐसे ही करना है कि नीचे देखो हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो क्या करो, सेम के साथ एक्स की पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, 1, और यहां पर क्या बन जाएगा, वाई बाई एक्स, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया एक्चुअल में करना क्या होता है, ठीक है। हर स्टेप में यही करना है भाई, ये चीज है ना, क्या करते हैं याद कर लेते हैं भाई, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, सारे इसको याद करते हैं, बट मेन चीज क्या समझनी होती है, यहाँ पर जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री होती है उसको कॉमन निकाल लो, किसके साथ, एक्स के साथ। तो एक्स स्क्वेयर को कॉमन निकाल लिया, एक्स स्क्वेयर को कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस वाई बाई एक्स, एक्स की पावर 1, 1 प्लस वाई बाई एक्स। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, साइन यू इज इक्वल टू, जब मैं इस एक्स को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1, और ये मेरे पास फंक्शन आ गया किस फॉर्म में, y बाई एक्स की फॉर्म में। तो एक्चुअल में यही तो आप करते हैं, u इज अ होमोजीनियस फंक्शन, तो आप उसको कैसे लिखते हैं, u इज इक्वल टू x फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो साइन u, साइन u इज इक्वल टू x की पावर 1 f y बाई एक्स। तो मैं बोल सकता हूं भाई जो मेरे पास साइन u है वो एक होमोजीनियस फंक्शन है, कितने डिग्री का, 1 डिग्री का। यहां पर ये लाइन लिखनी होती है भाई, साइन यू इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1, ऑफ डिग्री 1। ये लाइन मैंने क्या कर दी, यहां पर लिख दी। अब आप लोगों को क्या करना है, इलर थ्योरम लगानी है, ठीक है। इसके बाद यहां पर लिखना होता है थस डज बाय इलर थ्योरम, बाय इलर्स थ्योरम। इलर थ्योरम क्या बोलती है भाई, इलर थ्योरम बोलती है एक्स इंटू करली यू बाय करली एक्स प्लस वाई इंटू करली यू बाय करली वाई इज इक्वल टू एन यू, ठीक है। ये अपने पास इलर थ्योरम, एन क्या होती है, डिग्री। तो यहां पर देखो एन की वैल्यू क्या है, 1, क्योंकि ये डिग्री कितनी है, 1 है। यहां से देखो डिग्री कितनी आ गई, 1। एन जनरली डिग्री को ही डिनोट करता है। यू मेरे पास क्या है, इसके साथ कंपेयर करो, यू की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, यू की वैल्यू आ जाएगी साइन यू, यू की वैल्यू क्या आ गई, साइन यू, ठीक है। अब इसके अंदर पुट कर दो, एन की जगह 1 और यू की जगह साइन यू, तो करो पुट, एक्स करली बाय करली एक्स इंटू साइन यू प्लस वाई करली बाय करली वाई इंटू साइन यू इज इक्वल टू एन की जगह 1 और साइन यू। कोई दिक्कत भाई, जल्दी से नोट करो भाई इसको। अब अपने को क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है इसका। तो कैसे पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एक्स को बाहर छोड़ दिया, ठीक है, एक्स तो बाहर ही है, इसका तो करना ही नहीं, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन का करेंगे तो क्या जाएगा, कोस यू, और यू का करेंगे तो मेरे पास क्या जाएगा, करली यू बाय करली एक्स, ठीक है। इस स्टेप को ध्यान से समझ लेना, जब मैंने साइन यू का किया तो क्या गया, कोस यू, और जब मैं यू का करूंगा यानी कि एंगल का करूंगा तो करली यू बाय करली एक्स। सिमिलरली प्लस वाई, यहां से साइन यू का पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, कोस यू, और यू का करेंगे तो करली यू बाय करली वाई इज इक्वल टू 1 इंटू साइन यू। अब यहां से कुछ कॉमन आ रहा है भाई, कोस यू कॉमन निकाल लो, कोस यू मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहां से क्या बच गया, एक्स करली यू बाई करली एक्स प्लस वाई करली यू बाई करली वाई इज इक्वल टू साइन यू। अब यहां पर ये मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड में, एक्स करली यू बाई करली एक्स प्लस वाई करली यू बाई करली वाई साइन
यू अपॉन कॉस यू, और ये आप लोगों को पता ही होगा भाई, साइन यू अपॉन कोस यू क्या होता है भाई मेरे पास, टेन यू। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, टेन यू। अब ऊपर देखो यही चीज अपने को क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, तो मैं लिख सकता हूँ हेंस प्रूफ्ड, कोई दिक्कत, हेंस प्रूफ्ड। तो ये अपने पास क्या था, एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो भाई, अब अपने पास नेक्स्ट एग्जांपल है भाई, इफ यू इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स प्लस वाई। तो अपने को शो क्या करना है, एक्स कर ली यू वाई कर ली एक्स प्लस वाई कर ली यू वाई कर ली वाई इज इक्वल टू वन। तो पहला काम भाई अपने को यही फाइंड आउट करना होता है कि जो ये मेरा होमोजेनियस फंक्शन है यू, ये कितने डिग्री का है। ठीक है, कि सबसे पहला काम यही है कि अपने को एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और एन क्या होता है कि कितने डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, इसके अंदर भाई एक स्टेप याद रखना होगा, क्या ई से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, ई ई से करेंगे तो ये हो जाएगा ई की यू, ई और लोग आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का आप लोगों को पता होगा कि ई और लोग एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। उसके बाद देखो, अब चेक करना है कि ये कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को सिंपल सी बात बताई थी कि ऊपर वाली एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल है उसके अंदर हाईएस्ट डिग्री क्या है, दो, तो उसको कॉमन निकाल लो। तो यहां से क्या कॉमन निकलेगा, एक्स स्क्वेयर, तो यहां पर क्या बच गया, वन प्लस वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर। ठीक है, नीचे क्या बच गया, एक्स वन प्लस वाई बाई एक्स, तो ई की पावर यू। तो मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, सिंपल डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, एफ y बाई एक्स। तो मेरे पास क्या आ गया भाई, ये मेरे पास e की पावर u इज अ होमोजीनियस, इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री वन बाय इलर थ्योरम, बाय इलर थ्योरम वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं भाई, इलर थ्योरम क्या बोलती है, एक्स कर्ली यू बाई कर्ली एक्स प्लस वाई कर्ली यू बाई कर्ली वाई इज इक्वल टू एन यू। अब एन की वैल्यू क्या है, वन, और यू की वैल्यू क्या है, ई की यू। ठीक है, अब पुट करो इसके अंदर, जब मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो एक्स, यू की जगह क्या पुट करना है भाई, ई की पावर यू प्लस वाई, यू की जगह क्या पुट करना है, ई की यू, एन क्या है, वन, ई की यू। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है। आप लोगों को पता होगा डी बाई डी एक्स, अगर ई की पावर एक्स हो तो इसका जनरली क्या लिखते हैं, ई की पावर एक्स, और जब एक्स का करते हैं तो क्या जाता है, वन। अब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, करो पार्शियली डिफरेंशिएट, जब मैं ई की यू का करूंगा तो क्या आएगा, ई की यू, और यू का करेंगे तो कर ली यू बाई कर ली एक्स प्लस वाई, ई की यू का करेंगे ई की यू, और यू का होगा तो कर ली बाई कर ली वाई इज इक्वल टू वन इंटू ई की यू। दोनों में से ई की यू कॉमन आया तो यहां पर क्या बच गया, करली यू बाई करली एक्स प्लस, यहां पर देखो ई की यू कॉमन निकाला तो क्या बचा, एक्स इंटू करली यू बाई करली एक्स प्लस वाई इंटू करली यू बाई करली वाई इज इक्वल टू ई की यू। अब ये उस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो किसका आ जाएगा, डिवाइड का, तो ये किसके बराबर हो गया, वन के। और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, इसके अंदर जो मैंने ये बात बताई है ना कि होमोजीनियस फंक्शन कितने डिग्री का है, वो फाइंड आउट करना थोड़ा सा कई क्वेश्चन में मुश्किल हो जाएगा, बट अगर आप जो मैंने ये स्टेप बताया है ना ये याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं,